हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा विषय है मुहावरे। मुहावरे यानी इडियम्स। जैसा कि आपको पहले ही होमवर्क में पाठ 18 मुहावरे 1 से 25 तक पेज 110 112 दिया गया था, आज हम पेज 112 पर कुछ अन्य मुहावरों पर डिस्कशन करेंगे। इस पेज पर उनके केवल अर्थ और वाक्यों को ही डिस्कस करेंगे। तो चलिए बच्चों, अपनी हिंदी व्याकरण वसुधा बुक का पेज नंबर 112 खोल लीजिए और अपनी कॉपी भी निकाल लीजिए। अपने द्वारा बनाए वाक्यों को साथ साथ चेक करेंगे और शुद्ध करेंगे। तो चलिए पेज 112 कुछ अन्य मुहावरे तथा उनके अर्थ। पहले आंखों से गिरना, अर्थ सम्मान नष्ट होना। सम्मान मीन्स आदर, रिस्पेक्ट। स आधा म, म को आन, सम्मान। बुरे बच्चे दूसरों की आंखों से गिर जाते हैं। अगला होश उड़ जाना, बहुत अधिक डर जाना। होश ह को ओश, होश। सांप को देखते ही माता जी के होश उड़ गए। पानी भरना, अर्थ तुच्छ लगना। यहाँ तुच्छ का मीनिंग छोटा, स्मॉल। त को छोटा उ, आधा च, छ, तुच्छ। भारत के आगे पाकिस्तान पानी भरता है। दाने दाने को तरसना, अर्थ अभावग्रस्त होना। अभावग्रस्त मीन्स किसी चीज की कमी होना। अ भाव व ग के पैर में पदेन, आधा स त, अभावग्रस्त। मंदी के दिनों में गरीब दाने दाने को तरसते हैं। रंग में भंग पड़ना, अर्थ आनंद में बाधा आना। बाधा मीन्स रुकावट आना, किसी काम को करने में रुकावट आना। बकुआ धकुआ बाधा। बारिश आने से पार्टी में रंग में भंग पड़ गया। आप इन डिफिकल्ट वर्ड को अपनी कॉपी पे लिख सकते हैं रिवाइज करने के लिए। अगला मुहावरा नीचा दिखाना, अपमानित करना। अप मा न को छोटी त, अपमानित मीन्स इंसल्ट करना, बेइज्जती करना। वाक्य अमीर लोग हमेशा गरीबों को नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं। सोने की चिड़िया होना, धनवान होना। धनवान मीन्स रिच, अमीर। ध न वा न धनवान। पुराने समय में भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था। दो टूक बात करना, अर्थ स्पष्ट बात करना। स्पष्ट मीन्स क्लियर, साफ साफ कहना। आधा स प, आधा श षटकोण ट, स्पष्ट। पुलिस ने लोगों से दो टूक कहा, अपने अपने घरों में रहिए। अगला मुहावरा किताबी कीड़ा होना, हर समय पढ़ने वाला। किताबी क को छोटी ई, ता ब को बड़ी ई, किताबी। यहाँ किताबी कीड़ा का मतलब किताब पर चलने वाला कीड़ा नहीं, जो विद्यार्थी हर समय पढ़ाई में लगे रहते हैं उन्हें किताबी कीड़ा कहते हैं। वाक्य बच्चों को किताबी कीड़ा नहीं बनना चाहिए। अगला चार चांद लगाना, सुंदरता को बढ़ाना। बच्चों ने ट्रॉफी जीतकर स्कूल की प्रतिष्ठा को चार चांद लगा दिए। यहाँ प्रतिष्ठा का मीनिंग है शोभा, मतलब शान को बढ़ा देना। पके पैर में पदेन, तको छोटी ई, आधा श षटकोण, ठकुआ, प्रतिष्ठा। इतिश्री करना, अर्थ समाप्त करना।
इति श्री, छोटी ई त को छोटी ई, श्र को बड़ी ई, इति श्री मतलब किसी काम को खत्म कर देना। वाक्य, प्रभु इस कोरोना वायरस की इति श्री कर दीजिए। गागर में सागर भरना, कम में अधिक कहना। गागर का मतलब घड़ा और सागर का मतलब समुद्र। अब गागर में सागर को कैसे भर सकते हैं, यह केवल मुहावरा है। अर्थ के माध्यम से समझिए कि कम में अधिक कहना मतलब थोड़े में अधिक समझा देना। वाक्य, बड़ों की शिक्षाएं हमेशा गागर में सागर के समान होती हैं। घाट घाट का पानी पीना, अनुभवी होना। अनुभवी मींस एक्सपर्ट, एक्सपीरियंस, माहिर। अ न को छोटा उ, भ व को बड़ी ई, अनुभवी। वाक्य, रघु को मूर्ख बनाना आसान नहीं, उसने घाट घाट का पानी पी रखा है। आग में घी डालना, क्रोध को बढ़ाना। क्रोध मीन्स गुस्सा। क के पैर में पदेन ओध क्रोध, क को छोटा उ आधा स, सकवा गुस्सा। जैसे आग में घी डालते हैं तो आग ज्यादा भड़क जाती है, तेज जलने लगती है, उसी तरह। वाक्य देखिए, कश्मीर के मामले में पाकिस्तान हमेशा आग में घी डालने का काम करता है। आंखें बिछाना, बहुत आदर देना। आदर मीन्स मतलब रिस्पेक्ट देना। मेहमानों के आने पर भारतीय लोग आंखें बिछा देते हैं, मतलब उनकी बहुत ज्यादा आवभगत करते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं। अगला मुहावरा, चिकना घड़ा होना, बेशरम होना। ब को ए, श ब के ऊपर रेफ। रोहन को चिकना घड़ा कहते हैं, उस पर किसी की बात का असर नहीं होता। तो बच्चों, आज का विषय इस वीडियो के माध्यम से समझ में आ गया होगा। अब आप इन मुहावरों को फिर से रिवाइज कीजिए और इनकी मदद से पेज नंबर 115 और 116 को सॉल्व कीजिए। हम अगली वीडियो लेकर जल्द ही हाजिर होंगे। धन्यवाद।